ओके तो मेरे दोस्त, आपने भी फैसला कर लिया है कि आपको रील्स पे स्टार बनना है। तो आज के दिन आपने एक फैसला तो बहुत सही लिया है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो ना आपकी पूरी हेल्प करेगी आपको इंस्टाग्राम पे एक रील्स स्टार बनाने में, और अगले रील स्टार आप ही हैं। इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड 10 ऐसी प्रो टिप्स मैं बताऊंगा जिनसे कि आपकी इंस्टाग्राम पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। एंड अगर आपको इन 10 में से कोई भी चीज नहीं पता तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग। अब इससे पहले कि मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं कौन होता हूं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला। तो जो लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो मेरा नाम है नीरज एंड आप देख रहे हैं NSB पिक्चर्स। एंड इस वीडियो में आपको 10 ऐसी प्रो टिप्स मैं बताने वाला हूं जो आपको इंस्टाग्राम ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं आपको ये टिप्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के पार्टनर प्रोग्राम में हूं एंड मेरी इंस्टाग्राम टीम से काफी सारी बातचीत होती रहती है इंस्टाग्राम के ट्रेंड से रिलेटेड एंड इंस्टाग्राम रील्स पे जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, एंड मतलब काफी सारी अंदर की बातें मुझे पता रहती है। तो इसलिए आई नो द करेक्ट फॉर्मूला कि इंस्टाग्राम पे ग्रोथ कैसे करनी है एंड इंस्टाग्राम रील्स पे बेसिकली आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं एंड क्या क्या वो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या क्या वो चीजें जो आपको करनी चाहिए। एंड नॉट ओनली दिस, मैं इंस्टाग्राम पे पिछले 5 सालों से हूं जब इंस्टाग्राम सिर्फ एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, अब तो खैर टिकटॉक बन चुका है। ओके, सो टिप नंबर 1 इज टू यूज वायरल एंड ट्रेंडिंग ऑडियोज। अब इंस्टाग्राम पे सारी गेम ऑडियो की है, इवन मैं कई बार बहुत सारी रील्स देखता हूँ जो कि मेरे को पसंद भी नहीं आती, लेकिन ऑडियो बहुत अच्छा होता है इसलिए मैं उस रील को सेव कर लेता हूँ या फिर आगे शेयर कर देता हूँ। तो आपको हर कभी जो भी आप रील बना रहे हो उसमें आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज जो चल रहे होते हैं वो यूज करने होते हैं। अब ट्रेंडिंग म्यूजिक आपको कैसे ढूंढना है, बहुत ही सिंपल। इंस्टाग्राम जब आप रील्स देख रहे हो आपको 10 में से 5 रील्स एक ना एक ट्रेंडिंग ऑडियो पर दिख जाएंगी एंड बस वही ट्रेंडिंग है, उस पर आप अपना ट्रेंड फॉलो करो। अब ट्रेंडिंग ऑडियोज तो सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन वायरल होने के चांसेस तभी आपके ज्यादा होंगे अगर आप ट्रेंडिंग ऑडियो पर कुछ अलग करोगे। जो लोग ट्रेंडिंग ऑडियोज पर वही सेम स्टेप कर रहे हैं उनके वायरल हो सकते हैं अगर वो लोग पहले से ही फेमस हैं, बट अगर आप अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हो, विच आई एम श्योर कि आप अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हो इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको जो ट्रेंडिंग ऑडियोज है उन पर अपने स्टाइल से कुछ बनाना होगा। जैसे कि रिसेंटली रन अवे वाला ट्रेंड चला था तो मैंने इस ऑडियो पर अपना ट्रेंड फोटोशूट वाला कुछ इस टाइप से किया एंड इस रील पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आपको भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले जो म्यूजिक ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको उठाओ एंड उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करो, अपने स्टाइल से उसमें कुछ ऐड करो एंड फिर उसको पोस्ट करो। एक और चीज, काफी केसेस में लोगों के ओरिजिनल ऑडियोज भी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, लेकिन वो तभी वायरल होती है अगर आपको कुछ खुद का ओरिजिनल कंटेंट हो। जैसे अगर आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो या फिर अगर कुछ आप फनी कंटेंट बनाते हो या फिर आप कुछ और मतलब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हो जहाँ पे आप कुछ सिखा रहे हो, ट्यूटोरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को। लेकिन अगर इनमें से आपकी कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज करो एंड उन पे ही अपनी रील्स बनाओ। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को लगती है इंस्टाग्राम पे, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी रील्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हम जब वीडियो को शूट करते हैं वहाँ पे सही दिखते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे जाने के बाद वो क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, मतलब शार्पनेस उस वीडियो खत्म हो जाती है एंड बिल्कुल ही वीडियो पिक्सेलेट सी हो जाती है। तो इसकी भी एक इंस्टाग्राम पे सीक्रेट सेटिंग है एंड अगर आप उस सेटिंग को ऑन कर लो तो आपकी वीडियोज हाई क्वालिटी में पोस्ट होने वाली है। सो चलिए आपको भी ये सीक्रेट बता ही देता हूँ। सो आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स में, वहां से आपको जाना है अकाउंट्स के अंदर एंड अकाउंट्स में आपको जाना है डाटा यूसेज के अंदर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हाई क्वालिटी अपलोड्स का, मेक श्योर आपका ये ऑप्शन टर्न ऑन रहे, इसी से आपकी वीडियोस हाई क्वालिटी में अपलोड हो पाएंगी। ये आपके डाटा को ज्यादा यूज करेगा, आपका डाटा जल्दी से खत्म हो सकता है, बट अगर आप पोस्ट कर रहे हैं वीडियोस तो मेक श्योर कि ये आपका ऑन रहे, तभी आपकी वीडियोस ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड हो पाएंगी, वरना इंस्टाग्राम आपकी वीडियोस को डाउन स्केल कर देगा जिसकी वजह से आपकी वीडियोस की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ओके, सो जब भी आप किसी भी रील को पोस्ट करते हैं वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी रील को कितने लोगों ने देखा एंड कितनी देर तक उसको देखा, मतलब उसका ऑडियंस रिटेंशन कितना है। अगर किसी ने आपकी रील को प्ले किया तो उसको लोगों ने कितनी देर तक देखा, तो अगर आपकी रील 15 सेकंड की है एंड लोगों ने उसको सिर्फ मतलब 7 सेकंड तक देखा तो उसका ऑडियंस रिटेंशन अराउंड 50% होगा, विच इज़ गुड, ठीक है। बट सी, अगर आपकी रील सिर्फ 10 सेकंड की है एंड उसको लोगों ने 7 सेकंड तक देखा तो आपका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ के 70% हो जाएगा, जिससे कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को लगेगा कि ये रील अच्छी है एंड इसको लोग ज़्यादा देर तक देख रहे हैं एंड उसको वो आगे और इंप्रेशन प्रोवाइड करेगा या फिर ज्यादा लोगों तक उस रील को पहुंचाएगा। सो द टिप इज कि आपको रील्स शॉर्ट बनाने, बिल्कुल छोटी रील्स आपको बनाने ताकि वो जल्दी लोग उसको देख सकें, जल्दी वो खत्म हो सके एंड लोग उसको दोबारा रिपीट पे भी देखें, मतलब 7-8 सेकंड 10 सेकंड तक की रील आप ज्यादा बनाएं तो वो ज्यादा अच्छी चल सकती है। एंड एक और चीज जो आपकी ऑडियंस रिटेंशन में काफी हेल्प करती है वो है आपका कैप्शन। इंस्टाग्राम पे आप रील्स में एक कैप्शन भी लिख सकते हैं एंड कैप्शन आपको जस्ट एक लाइन में दिखता है, अगर आपका कैप्शन एक लाइन से बड़ा है तो वहां पे एक सी मोर का ऑप्शन आता है एंड लोग फिर उसको पूरा पढ़ सकते हैं, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं कि लोग आपके नॉर्मल से कैप्शन को पढ़ें। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर आपने अपनी पहली लाइन में कुछ कैची सा लिखा हुआ जिसको कि लोग पढ़ना चाहेंगे तो लोग उसको भी पढ़ेंगे एंड शो मोर पे क्लिक भी करेंगे, उसके बाद एक कोई लंबा सा पैराग्राफ लिख दो तो लोग उसको पढ़ने में भी टाइम लगाएंगे एंड आपकी रील बैकग्राउंड में प्ले होती रहेगी जिससे कि आपकी रील का वॉच टाइम भी बढ़ता रहेगा। तो मतलब कैप्शन में आप काफी इंफॉर्मेशन वाली चीजें लिख दो ताकि लोग उसको पढ़ते रहें एंड अगर आप कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हो तो वहां पे आप कैप्शन में पूरी डिटेल लिख सकते हो ताकि लोग आपके कैप्शन को पढ़ने में टाइम लगाएं एंड साथ साथ बैकग्राउंड में आपकी रील भी प्ले होती रहे। और हाँ, कैप्शन की बात चली रही तो हैशटैग आपको बिल्कुल भी ओवर यूज नहीं करने, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता लग जाता है
जाएगा आप कितने फालतू हैशटैग यूज़ कर रहे हो। अगर आपने कोई ऐसा हैशटैग यूज़ कर दिया जो कि आपकी वीडियो से कोई रेलेवेंट नहीं है, तो आपकी वीडियो की रीच वैसे भी नहीं जाने वाली। आप बिल्कुल स्पेसिफिक हैशटैग यूज़ करिए, मतलब वही 5-10 हैशटैग यूज़ करिए जो आपकी वीडियो से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इधर उधर से उठा के आपने अगर ट्रेंडिंग वाले हैशटैग लगा दिया तो आपकी वीडियो पर रीच वैसे भी नहीं आने वाली है। इंस्टाग्राम पर जब आप रील्स को पोस्ट करते हो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मतलब एडिटिंग वाले ऑप्शन, उनमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप उन सभी चीज़ों को यूज़ करो तो इंस्टाग्राम को लगता है कि आपकी रील एक मतलब फुली वेल मैनेज रील है, उसमें सब कुछ चीज़ें हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इंस्टाग्राम इस टाइप की रील को ज़्यादा आपको रीच दे। तो ऐसे में आपको यूज़ क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो जो भी ट्रेंडिंग फिल्टर्स चल रहे होते हैं या कुछ भी इफेक्ट्स चल रहे होते हैं ट्रेंडिंग, उन सबको आपको सेव कर लेना, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप रील बनाओ उनका यूज़ आप अपने कॉन्टेंट में करो। जैसे कि अभी एक ये वाला फिल्टर बहुत ट्रेंड में चल रहा है तो आप इस पर भी अपनी वीडियो बना सकते हैं, या फिर और जो भी ऐसे ट्रेंडिंग फिल्टर्स चल रहे हैं उनको आप रख सकते हैं सेव करके, ताकि आपकी अगली वीडियो पे वो काम आ सके। एंड नॉट ओनली दिस, आप खुद के भी फिल्टर्स बना सकते हैं। जैसे कि कुछ फिल्टर्स बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं जिनको कि सभी लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी अपना फिल्टर बनाइए स्पार्क एआर का यूज़ करके। स्पार्क एआर एक फेसबुक का ही ऐप है, इसके आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, तो क्या पता आपका फिल्टर भी वायरल हो जाए एंड सब लोग आपके फिल्टर को यूज़ करें। एंड वहाँ पे लिखा है कि फिल्टर बाय मतलब आपको जो भी नाम है, और लोग आपकी प्रोफाइल को भी विजिट करेंगे एंड आपको फॉलो भी करेंगे अगर आपको उनका फिल्टर पसंद आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको इंस्टाग्राम पे अपनी एक कैटेगरी फाइंड आउट करनी है कि आपको किस टाइप का कॉन्टेंट डालना है। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर तो आपको मैं बोलूँगा कि आप जो भी ट्रेंड आ रहा है उसको फॉलो करते रहें, लेकिन अगर आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड क्रिएटर हैं एंड आप चाहते हैं रील्स पे ग्रो करना, तो मैं आपको यही बोलूँगा आप अपना एक कैटेगरी सेलेक्ट करिए जिस कैटेगरी में आपको कंटेंट पोस्ट करना है और उसी टाइप की रील्स आप पोस्ट करिए, सो दैट अगर आपकी कोई एक रील वायरल हो जाए, विच एम श्योर की जरूर से हो जाएगी कभी ना कभी, तो लोग उस रील को देखने के बाद आपकी प्रोफाइल को देखें तो वहाँ पे उनको और ज़्यादा वैसे ही सिमिलर कंटेंट मिले। मतलब अगर आप कोई नेचर वाली वीडियोस पोस्ट करते हैं तो अगर किसी को वो एक वीडियो पसंद आएगी तो लोग आपकी प्रोफाइल को खोले तो वहाँ पे बहुत सारी नेचर की वीडियोस हो, ताकि जैसी वीडियो देख के ऑडियंस आपके अकाउंट पे आई है उनको वैसी ही और वीडियोस भी वहाँ पे मिले एंड वो फिर आपको फॉलो भी करें क्योंकि उनको वैसी वीडियो पसंद है। तो आप 10 चीज़ों को मिक्स करने के बजाय किसी एक कैटेगरी को पकड़िए एंड उसी टाइप का कंटेंट बनाइए जिसमें आप परफेक्ट हो एंड जो आपको करने में मजा आता है। रील्स तो आपने बना ली, बहुत अच्छी कैप्शन भी लिख लिया, हैशटैग भी लिख लिया, लेकिन रील्स पोस्ट कब करनी है इसका भी एक फंडा है। आपको इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट तभी पोस्ट करना चाहिए जब आपकी ऑडियंस एक्टिव है, वरना आपका फोटो या वीडियो पोस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है उन तक आपकी फोटो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो इंस्टाग्राम नहीं चला रहे होंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रह रही है, एंड ये बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट अपने अकाउंट के इनसाइट में जाना है एंड फॉलोअर्स में जाके यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है किस टाइम पे ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती है, किस दिन ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो आपको देखना कौन सा टाइम है आपके लिए ऐसा जिसमें कि आपकी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो उसी टाइम पे आपको पोस्ट करना है। जैसे अगर मैं अपने अकाउंट की बात करूँ तो मेरे अकाउंट पे लोग सुबह 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए मैं अपनी फोटोज या वीडियो इसी टाइम पे पोस्ट करता हूँ। ये हो सकता है आपके अकाउंट के लिए कोई और टाइम हो, तो आपको ये अपने अकाउंट का चेक करना है, एंड ये आपकी वैसे इन जनरल और भी इंस्टाग्राम ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इनसाइट वगैरह। अगर आपको जानना है कि इंस्टाग्राम पे आप ओवरऑल ग्रो कैसे कर सकते हैं तो आप इस वाली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने पहले ही एक वीडियो पोस्ट कर रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें भी मैंने आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जो आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो आप एंड में जाकर इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। बेस्ट टाइम के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा, जिस टाइम पे आप वीडियोस पोस्ट करते हो उस टाइम पे आप डेली वीडियोस पोस्ट करो, एंड एटलीस्ट एक दिन में एक रील तो जरूर से पोस्ट करो, वरना लोग आपको भूल जाएंगे एंड सोशल मीडिया पे इतना टाइम किसी के पास नहीं आपको कोई सर्च करें एंड फिर आपकी रील देखें। तो अगर आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको मतलब फीड में दिखना पड़ेगा डेली, कम से कम कुछ ना कुछ पोस्ट करो, स्टोरीज, रील्स, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, कुछ भी पोस्ट करो, लेकिन आपको डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना चाहिए। सो या कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट टू ग्रोथ। रील बनाते टाइम आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, आपकी जो रील है वो आपके वर्टिकल फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब 9:16 के एक्सपेक्ट रेशियो में। अगर आपकी रील्स पे कहीं पे भी ब्लैक बॉर्डर्स हैं या फिर आप यूट्यूब से उठा के वीडियो को वैसे ही पोस्ट कर रहे हो ब्लैक बॉर्डर के साथ, तो इंस्टाग्राम आपकी वीडियोज़ को कहीं भी आगे पुश नहीं करेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम एक वर्टिकल वीडियो फॉर्मेट प्लेटफॉर्म है। तो मेक श्योर आपकी वीडियोज़ फुल स्क्रीन रहे एंड वर्टिकल रहे, 9:16 के एक्सपेक्ट रेशियो में रहे। इंस्टाग्राम पे जो भी आप रील्स पोस्ट कर रहे हो उसमें मेक श्योर कि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का लोगो या फिर वाटरमार्क ना रहे। जैसे कि टिकटॉक ऐप था, एक लोग कुछ वीडियो अपने टिकटॉक से उठा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, वहाँ पे टिकटॉक का लोगो लगा रहता है, उन वीडियोस को इंस्टाग्राम कभी भी आगे पुश नहीं करेगा, क्योंकि आप इंस्टाग्राम के कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर रहे हो एंड इंस्टाग्राम ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी ऐप पे किसी और थर्ड पार्टी ऐप का प्रमोशन हो जो कि उनका ही कॉम्पिटिटर हो। एक और चीज़ आपको ध्यान रखने का, आप जब भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें नहीं करनी है, एंड सेकंडली आपको किसी भी चीज़ के बारे में हेट नहीं फैलाना है, मतलब आपको हेटफुल स्पीच नहीं करनी है, किसी को रोस्ट वगैरह नहीं करना है, तो आपकी रील्स ज़्यादा आगे तक जाने के चांसेस रहते हैं। रील्स जब आप बनाओ तो कुछ ऐसी रील्स बनाओ जिनको लोग अपने आप शेयर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी रील्स को शेयर मिलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रील पे रीच बढ़ेगी। एंड शेयर का एक और फंड है, अगर आपकी रील्स को कोई ऐड टू स्टोरी करता है तो वहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी रील भी प्ले होती है, वो एक स्टैटिक फोटो नहीं रहती है, वो एक वीडियो बन जाती है, ताकि लोग उस पर और ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें एंड किसी को अगर वो पसंद आए तो लोग उस पर टैप करें। एंड ऑल्सो जो भी आप रील को अपनी शेयर करते हो स्टोरीज में एंड आपकी स्टोरी में जितने भी व्यूज़ आते हैं वो आपकी रील पे एज ए व्यू ही काउंट होते हैं, तो मेक श्योर जब आप रील को पोस्ट करें उसको आप स्टोरी में जरूर से शेयर करें एंड अपने दोस्तों को भी बोलेंगे उसको स्टोरी शेयर करें, जितने व्यूज़ आपके स्टोरीज पे आएंगे उतने ही आपकी रील पे वो व्यूज बढ़ जाएंगे। तो मतलब आप कंटेंट ही ऐसा बनाइए जिसको कि लोग शेयर करें, या तो वो फनी हो या फिर इंफॉर्मेटिव हो या फिर कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हो।
आई नो बहुत से लोग अब बोलते हैं कि इंस्टाग्राम बिल्कुल क्रिंज अब बन चुका है, यहाँ पे बहुत सा क्रिंज कंटेंट आता है जैसे टिकटॉक पे आता था, ये पूरा टिकटॉक बन चुका है। बट ऐसा नहीं है, जैसा कंटेंट आप देखोगे वैसा ही कंटेंट आपको इंस्टाग्राम दिखाएगा। इंस्टाग्राम पे आज भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ पोस्ट करते हैं एंड बहुत ही क्रिएटिव काम कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप कुछ क्रिएटिव लोगों को फॉलो करें जो कि आर्टिस्ट हैं, एंड इनसे दो फायदे होंगे। पहली बात तो आर्टिस्ट को भी एक सपोर्ट मिल जाएगा, एंड सेकंड चीज़ आपको भी रील्स पे या फीड पे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप क्रिंज कंटेंट वालों को फॉलो करेंगे आपको बिल्कुल क्रिंज ही दिखाएगा इंस्टाग्राम। आप ऐसी रील अगर आपके सामने आ जाए जो आपको क्रिंज लगती है उसको आप रिपोर्ट कर दें, एंड जो रील आपको अच्छी लग रही है उस टाइप की रील को आप लाइक करें, तभी आपको उस टाइप की रील इंस्टाग्राम ज़्यादा शो करेगा। तो कुछ क्रिएटिव लोगों को आप फॉलो करके रखें ताकि आपको भी अपने कॉन्टेंट से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ आते रहें। जैसे कि आप मेरी फॉलोइंग लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत से क्रिएटिव लोगों को फॉलो कर रखा है जो कि बहुत ही अलग अलग वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, बहुत ही अलग अलग फोटोज़ पोस्ट करते हैं, उनसे काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिलता है एंड काफ़ी सारे कंटेंट के आइडियाज़ भी आते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने एक ये वाली वीडियो पोस्ट की थी जो कि एक मिरर ट्रांजिशन थी, तो ये वीडियो मैंने एलेक्स कोस्टा की प्रोफाइल पर देखी थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रांजिशन को किया था। मैंने इस वीडियो को 10-12 बार देखा एंड फिर समझा कि कैसे ये वीडियो बनी होगी, फिर मैंने भी इस वीडियो को बनाया एंड इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है, आप भी किसी अच्छे आर्टिस्ट को फॉलो करिए, उनकी चीज़ों को देखिए वो कैसे काम कर रहे हैं एंड उनसे इंस्पायर होकर कुछ खुद का भी बनाइए। और हाँ, अगर फॉलो की बात चली रही है तो आप इंस्टाग्राम पर एक क्रिएटर पेज है इंस्टाग्राम का खुद का, मतलब इंस्टाग्राम टीम खुद उस पेज को मैनेज करती है @creator, उसको भी आप फॉलो कर लें। वहाँ पे काफ़ी सारे रील से रिलेटेड ट्रेंड्स आते रहते हैं एंड जो भी वीकली ट्रेंड्स होते हैं उनके बारे में बताते रहते हैं एंड जो भी नए नए फीचर्स होते हैं वो भी सारी चीज़ें वो वहीं पे शेयर कर देते हैं। तो मेक श्योर आप क्रिएटर्स को फॉलो करके रखें, आपको वहाँ पे रील से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, मेरे को भी फॉलो करो यार, मैं भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी नई नई फोटोज एंड रील्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सिंपली इंस्टाग्राम पे जाकर nsb.picture सर्च कर सकते हैं एंड मेक श्योर टू फॉलो मी देयर। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आई नो आप लोगों को अब माइंड में क्या आ रहा होगा कि यार अगर इंस्टाग्राम रील से इतनी ही ग्रोथ हो रही है डेली पोस्ट करने से तो आप डेली पोस्ट क्यों नहीं करते हो। सो भाई मेन मुद्दा है टाइम का, मेरे को फोटोशूट एंड यूट्यूब वीडियोज बनाने में इतना सारा टाइम लग जाता है कि मेरे को रील्स के लिए टाइम बचता ही नहीं है। बट फिर भी मेरे को जब भी टाइम मिलता है, जब भी मेरे पास कॉन्टेंट होता है, मैं उसको जरूर से रील्स पे पोस्ट करता हूँ। सो भाई आपको इनमें से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करें एंड इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें नेक्स्ट टाइम जब भी आप रील पोस्ट करें, रील्स बनाएं। एंड एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए एंड वहां पे अपना इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम होता है उसको पोस्ट करिए और एक दूसरे को आप फॉलो करिए, तभी हम लोग एक साथ ग्रो कर पाएंगे। सो भाई जाने से पहले आप इस वीडियो को भी लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब कर देना एंड इस वाली वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना, यहाँ पे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है। सो यार इतने था इस वीडियो में, मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।